गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ। लोकसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। गोरखपुर के खूनीपुर में सोसाइटी से पैसे की अदायगी न होने का मामला पकड़ा तूल, सोसाइटी के डायरेक्टर चढ़े पुलिस के हत्थे। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने शांति और सद्भावना समिति के साथ की बैठक। लूट की चैन के साथ एक चैन स्नेचर चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ, वक्ताओं ने भारत में शिक्षक शिक्षा के मुद्दे पर किया मंथन। 6 आवंटी पाए राप्ती नगर विस्तार योजना के तहत जीडीए द्वारा कब्जा। नागार्जुन बौद्ध संस्थान और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई पांडुलिपि संरक्षण तत्वबोध व्याख्यान। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में मतदाता के पास है मतदान के लिए कई वैकल्पिक पहचान पत्र के तरीके। 27 फरवरी को आयोजित होगा वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का उत्पादन एवं प्रयोग विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय किसान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। लोकसभा के उपचुनाव में बनेंगे 25 मॉडल बूथ, मतदान के लिए जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से किया आवाहन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में इश्यू इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया विषय के साथ अंतर विषयक शोध पर भी दिया गया जोर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में रासायनिक विज्ञान में उभरते रुझान विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। गोरखपुर पहुंचे पूर्व टेस्ट खिलाड़ी अजय शर्मा से गोरखपुर न्यूज की विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर के खिलाड़ियों में नहीं है टैलेंट की कमी। और जिला क्रिकेट लीग में अबकी अकेडमी ने 9 विकेटों से शानदार जीत हासिल की। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उप निर्वाचन में सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। 9 मार्च की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। ये बातें जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने प्रत्याशियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू है, अगल बगल के जिलों को भी सतर्क कर दिया गया है। इस बैठक में प्रेक्षक डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे, डॉक्टर सुबोध कुमार, मंजुनाथ और अशोक देवान भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने के लिए सभी SDM पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ साथ थानाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है। इसके लिए वीडियो टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम का भी विधानसभा वार गठन किया गया है। 50,000 रुपये से अधिक धनराशि लेकर चलने पर कागजात दिखाना होगा। इसके साथ ही असलाह, मादक पदार्थ, शराब आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि प्रचार कार्य की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम खोला गया है, वहां से जुलूस, रैली, जनसभा, वाहन, स्पीकर आदि की अनुमति ली जा सकती है। सभी प्रत्याशी अपना चीफ इलेक्शन एजेंट नामित कर दें। बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, ADM व उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभुनाथ, ADM सिटी रजनीश चंद्र, सभी SDM और प्रत्याशी भी मौजूद थे। और मेरे साथ भारत निर्वाचन आयोग से हमारे माननीय प्रेक्षक आए हुए हैं, उनका मैं परिचय कराता हूँ आपसे। प्रदेश के IPS अधिकारी हैं और आप पुलिस ऑब्जर्वर सुबोध कुमार हैं, आप तमिलनाडु कैडर से हैं, IAS अधिकारी हैं 2010 बैच के, और आप भी जनरल ऑब्जर्वर हैं यहाँ बैठक में। तो इस बैठक में, क्योंकि पहली बैठक आप लोगों का जो कल
कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की जो लिस्ट फाइनल हुई है 13 तारीख से वो कल समाप्त हुई और हम लोग कर रहे हैं। तो इस बैठक में आप लोगों को आहूत करने का उद्देश्य ये है, केंद्र का भाग है तो किस प्रकार से हम लोग निर्वाचन की पूरी प्रक्रियाओं की शुचिता को बनाए रखें, हम इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, उसके बारे में एक आपसी बातचीत, एक विचार विमर्श वो आवश्यक है। कुछ चीजें जो हम लोग आगे करेंगे वो बताऊंगा, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो हमारा पूरा जो प्रक्रिया का स्वरूप है वो इस प्रकार रहेगा के लिए गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में चले गए हैं और आप लोग इस बात को जानते ही हैं क्योंकि हमारा ये इलेक्शन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है, तो बहुत बड़ी संख्या में बैलेट पेपर्स को छापने की जरूरत नहीं होती। तो ये गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस से छप के आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर इनको जो हमारे ईवीएम्स में जो बैलेट यूनिट्स होती हैं उसमें हम लोग इनका सेटिंग करते हैं। जो हमारी आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसके जो 5ों के एआरओज हैं उसकी जगह भी नोटिफाई हमने की है और हमारे जो पोलिंग पर्सनल हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को निष्पादित करेंगे। शनिवार को लोकसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षा भवन में पीठासीन और मतदान कर्मियों के बीच प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन कराने में जो भी कार्य आप लोग को दिए जाएं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी और सजगता के साथ करें क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी निर्वाचन कार्य में क्षम्य नहीं होगी, इसलिए जो भी दायित्व तो आपको सौंपा जा रहा है उसके विषय में पूरी जानकारी लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही कार्य करें। ये बातें जिलाधिकारी ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान कही। चुनाव को बेहतरी से संपन्न कराने के लिए छोटी सी छोटी जानकारी भी होना अति आवश्यक है। चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों की होती है, इसलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह, अपर जिला अधिकारी विधान जायसवाल, बलराम सिंह, डीडीओ पीडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जो चिन्हित प्रति से अलग प्रति है ये वो प्रथम बार है जो डीओ साहब डीओ फाइव साहब का टेबल है। मैं कर दीजिए
बहुत ही तसल्ली से कोई जल्दबाजी मत करना, जो भी तुम्हारे पास 50 लोग आए इसका मेरे लिए काफी एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये सर एक दिन 20 दिन के काम करेंगे और आप भी मेहनत से हाँ उनको जल्दबाजी होनी चाहिए ना, एक एक चीज प्रोसेस बढ़िया से सिखाने में जल्दबाजी मत करना। जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि हाँ माई होल्ड एवरीथिंग, उसके बाद छोड़िएगा। कहीं से एडर करेगा ना जाके कोचिंग बुक से ट्रेस वगैरह कहाँ से उसने सीखा, प्लीज डोंट डू इट। कोई जल्दबाजी आप ही ना करें, पूरा डेडिकेशन से काम करें। जैसे पूरी टीम कर रही है 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समय बिता के बढ़िया सिखाइए, इससे वो एक्सपोर्ट होने वाले हैं। इसको 101 कमरे में रखो, 101 नीचे नहीं, इसको लेके चलो नीचे हम बता कंफर्ट जोन बहुत छोटे होते हैं। मुझे आपका केवल ये कहना है, आप सब लोग समझदार हैं,
You cannot get the comfort of your own house in a police station. वो सुविधा जो आपको अपने घर के अपने शयन कक्ष में मिलती है वो आपको पुलिस स्टेशन पे नहीं मिल सकती है. बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड जो बेस्ट पॉसिबल से करें. और एक बात ध्यान रखें ना कि हमारे लोगों के परिवारों में से और हमारे समाज में से ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, कि जहां पर टेम्परेचर 53-54 डिग्री पहुंचता है गर्मियों में डेजर्ट में, वहां भी वो ड्यूटी देते हैं. और जहां -40 डिग्री है सियाचिन ग्लेशियर में, वहां भी देते हैं. एंड दे आर द पार्ट ऑफ द सेम फैमिलीज एंड सेम सोसाइटी. कंफर्ट जोन तो बहुत घना हुआ छोटा गया. कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत खूनीपुर में एक सोसाइटी से पैसे की लेन देन को लेकर शनिवार को उपभोक्ता और सोसाइटी के कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. खूनीपुर स्थित लाइफ इंफो कॉरपोरेशन सर्विसेज सोसाइटी लिमिटेड नाम के इस सोसाइटी में कई लोगों ने पैसे जमा कराए थे. पैसे निकालने के लिए जब खाताधारक सोसाइटी पहुंचे तो उन्हें पैसा देने में डायरेक्टर ने आनाकानी करने लगा, जिस पर खाताधारकों ने विरोध दर्ज कराया. मामला कोतवाली पहुंचा, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने सोसाइटी के डायरेक्टर को अपने साथ लेकर मामले की तफ्तीश में जुटी है. इस मामले में सीओ कोतवाली तारकेश्वर पांडे ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, हमारे मोहल्ले में बैंक था, उन्होंने 3 महीने का वादा किया था कि मैं 30,000 रुपया दूंगा, मगर ये 7 महीना हो गया बैलेंस नहीं दे रहे हैं. और ये महीने पे महीना लगाए कह रहे हैं मार्च क्लोजिंग है, अप्रैल में मिल जाएगा. फिर कह रहे हैं अप्रैल में भी हो सकता है दे देंगे. और चेक अभी बेटा आया नहीं है और मुंबई से आ जाएगा तो मैं तुमको दे दूंगा. ये मुंबई महाराष्ट्र में इसका वो है, क्या कहता है, ब्रांच है. कितना पैसे जमा किया आपने? हमने 20,000 रुपये जमा कर दिया है. डेली जमा मैं करता था 200 रुपये डेली जी. लगभग कितने लोगों का होगा? लमसम 350 लोगों का अकाउंट खुला हुआ है. ये मतलब हमसे भी यही कहे कि पब्लिक में जाके, कौन है? संजना जायसवाल एम्प्लॉई हैं, हम भी काम करते हैं, मेरी 7 महीने की सैलरी भी नहीं मिली है. और खाता धारक जो है उसको लोन भी कहे तो लोन भी नहीं दिए. 3 महीना कहे गए पब्लिक में, ये तुम शो कर दो कि 3 महीना मतलब खाता रेगुलर चलने पे 20,000 रुपया लोनिंग किया जाएगा. तो हमने ऐसा कहा सबसे कई लोगों से, तो लोन ये दिए नहीं 3 महीने पे. तो लोग हमको मतलब पब्लिक हमको करने लगी कि हम तुम्हारे विश्वास पे खोले, हमको लोन चाहिए. तो 1-2 लोगों को मैंने लोन भी दिया, किसी को 10,000 और 1 लोग को 40,000 दिए लोन. आज क्या मामला हुआ? आज ये मामला है कि वो लोग हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं ये अपना पासबुक लो और जाके सर से अपना समझो, जहाँ हमारा काम लगेगा हम आ जाएंगे. 11 खाता मेरा है, मेरा 5 खाता घर का ही है. कौन कर रहा है? मेरा घर का खाता है. मतलब कौन कर रहा है? पैसा नहीं मिलेगा कौन खाता? वो खाता जो है उनको 8-8 महीना हो गया लोन नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं कि हम आपसे बात करके आपका बात विचार दे के खोले थे खाता, इसलिए आप ये खाता पकड़िए, जहाँ कहेंगे हम साइन कर देंगे, आप जाइए समझिए, आप पैसा लीजिए, हम आपका पैसा काट लेंगे उसमें से. पैसा तो देंगे ना जो आपका उसमें मेंबर है. हाँ, मेंबर उसके लिए. तो आप मेंबर देंगे? मेंबर सब आपके घर द्वार के लोग हमारे कस्टमर. आपने आपने पार्टी बनाई है, सारे मेंबर तो आपके परिवार के ही है. किसको लोन? 2-10 लाख रुपये लोन. ये कहाँ तुम्हारा ये है? कितने लोगों से पैसा लिया यहाँ पे? और कितना रुपया इकट्ठा किए हो? 5-6 लाख रुपये क्या बता रहे हैं आप? समझ गया ना, हम आपको नहीं चल पाएंगे. उनकी सर्विसेज में क्या लिखा है? तो रिक्रूटमेंट करवाते हैं? नहीं सर, जॉब कंसल्टेंसी का. हाँ, जॉब कंसल्टेंसी. और वही तो कह रहा हूँ, जॉब कंसल्टेंसी का. हाँ, तो ये भी काम करें सर. मैं ये भी काम करता हूँ, मेरी
मेरा काम कंसल्टेंसी का ही है। हाँ कंसल्टेंसी का होगा, बैंकिंग का कोई काम नहीं है। और बैंकिंग में सर काम सर सभासद भाग प्रदेश की कर्ज देने के लिए सब कुछ है इसमें सर, वहाँ सर सरकारी बोर्ड होती है, ये चीज़ आप दे सकते हो कर सकते हो अपने लोगों के बीच में कर सकते हो। नहीं सर, जैसे हम 20 रुपया देकर उनको सभासद बना लेते हैं, उसके बाद उनको नहीं देते सर, लोन देते लोन देते हैं 500 रुपये से सभासद बना, फिर उनको लोन भी देते हैं। हम शहीद सत्य है, ये है मिस्टर सबूत, इनका 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 प्रूफ है, तो देखिए इनका इस पर लिखा वजीउल्लाह, और इनका दूसरा पत्र है मतदाता पहचान पत्र, इसमें इनका नाम है सब्बू, और तीसरा है इनसे इन्होंने दिया अपने बहन का बैंक स्टेटमेंट, इनसे बोला गया था कि आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मुझे दीजिए, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड की जाएगी। लगभग 10,000 कुछ रुपये इनका जमा है, उसके सामने इन्हें 30,000 रुपये देना था, परंतु इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स हमें इस तरह के पेपर दिए, मैंने कहा पेपर आपका नहीं लग सकता है। उन्होंने आकर सुबह बोले कि बैंक भाग रहा, फिलहाल हमने जो है अब तक 205 डिपोजिटर्स बनाए, इसमें लगभग 50 डिपोजिटर को 5 से 6 लाख रुपये तक हमने लोन दिया, और लोन की जो देने की जो हमारी जो महाराष्ट्र सहकारी बोर्ड की जो प्रक्रिया है, पहले हम मेंबर बनाते हैं, सभासद बनाते हैं, और सभासद बनाने के बाद फिर उनका हम डेली अकाउंट्स ओपन करते हैं, फिर उस अकाउंट को 3 महीने तक हम चलाते हैं, कभी 4 महीना भी होता है, कभी 5 महीने भी होता है, उसके आधार पर हम उनके लोन देते हैं, और दिए हैं बहुत से लोगों को, उसी मोहल्ले में बहुत से लोगों को लोन दिया, जिसने 9,000 जमा किया उसको 30,000 दिया, जिसने 15,000 जमा किया 60,000 दिया, ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको मैं बाई फेस लाके मैं बाई फेस करा सकता हूँ, मतलब आप लोगों से मिला सकता हूँ। तो क्यों है आरोप लगा रहे हैं, इस तरह का हंगामा क्यों किए हैं लोग? एक्चुअली सर हंगामा करने वाले यही व्यक्ति हैं सर, कुछ अभी वहाँ बात हुई है भाई, जिसको पैसा उन्हें जमा कर वो अकाउंट अक्टूबर में बंद हो गया, और उसको पेमेंट देने के लिए हमारा 1 साल का प्रक्रिया है, 1 साल के बाद हम उन्हें पेमेंट करेंगे, उसके बावजूद भी हम आए सुबह कोतवाली में बैठे, मैंने बोला कि जो भी कस्टमर को जिन जिन कस्टमरों को तकलीफ है उनका पेमेंट मैं डेफिनेटली देने के लिए तैयार हूँ, किसी भी कीमत में मैं पेमेंट कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ से पैसा लेके भागने की मुद्रा में कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो और एक अच्छा संस्था चले, और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जॉब प्रोवाइड करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे दुकानदारों को मैं लोन प्रोवाइड करा सकूँ, ये मेरी मानसिकता है, और इसी सोच को मैंने लेकर मैं आया, इसी सोच का मैंने जन्म दिया। नहीं, आपके पासबुक पे LIC का भी लेबल लगा हुआ है। LIC का लेबल है, तो मैं उसमें जो है हर कस्टमर को मैं चाहता हूँ कि उन्हें जो है 2 से 3 तरह का लाभ मिले, पहला लाभ उनका डिपॉजिट हो, दूसरा लाभ जो है उनका LIC से जो इनकम टैक्स रिवेट फाइल मतलब इनकम टैक्स उनको रिवेट मिले, तीसरा जो है उनको ब्याज मिले, और एक विशेष लाभ जो मैं उनको देना चाहता हूँ उनका जो जमा है 10,000 उस पर मैं 30,000 दे सकूँ, अच्छे कस्टमर है उसको मैं 50,000 दे सकूँ, इस मानसिकता को मैंने जन्म दिया और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किया, और आज के डेट में मैं कर रहा हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनिवास रामसवन जायसवाल है, तो मैं मुंबई से आया हूँ, लेकिन मेरा घर कप्तानगंज कुशीनगर में है। पुलिस के संज्ञान में कोई अभी तक प्रकरण आया है? मैं कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा जैसा आप बता रहे हैं। ये लोग बाहर से आए हुए हैं, इनका कहना है कि हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं, और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये मनी बोरो करते हैं और साल भर की मैच्योरिटी के बाद उसको लौटा देते हैं, उसको मिनिमल इंटरेस्ट दे करके, मुश्किल से मतलब 1,000-2,000 रुपये साल लाना इंटरेस्ट दे करके प्रतिदिन कुछ पैसा लेते हैं, कुछ पैसा लेने के बाद लौटा देते हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। इनके ऑपरेशंस में अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब इन्होंने भी बहुत कुछ लौटाया नहीं होगा, मगर इनकी कार्रवाई अभी संशय के घेरे में इसलिए है क्योंकि ये पहली बात तो आए हैं बाहर से, इनके पास बैंकिंग रेगुलेशंस के कोई प्रमाण पत्र नहीं दिख रहे हैं, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने की बात कर रहे हैं, मगर कोऑपरेटिव सोसाइटी यूजली मेंबर बेस्ड होती है, जनरल पब्लिक से उसका लेना देना नहीं होता, बट इनकी बोरोइंग्स जो है वो जनरल पब्लिक से है, तो हमें इसलिए थोड़ा संदेह है, जांच पड़ताल की जा रही है, आवश्यकतानुसार पुलिस वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी राजीव रौतेला के नेतृत्व में शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि होली का पर्व 2 मार्च को मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी SDM और क्षेत्राधिकारी पुलिस को निर्देश दिया है कि 2 मार्च को वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहें। उन्होंने कहा कि 1 मार्च से सायं 7 बजे होलिका दहन होगा,
इस दिन सुनिश्चित कर लें कि होलिका दहन स्थल के पास पर्याप्त सुरक्षा कर्मी रहें, कोई जुलूस ना निकले। वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू है, इसलिए इसका अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होली के दिन घंटाघर से परंपरागत जुलूस निकलता है, जो घासी कटरा, जाफरा बाजार, बख्शीपुर, अलीनगर, रेती रोड होते हुए घंटाघर वापस आकर समाप्त हो जाता है। इसी बीच लगभग 14 मस्जिद पड़ती है, जहां 12 बजे से शुक्रवार की नमाज भी अदा की जाएगी। होली के त्यौहार को देखते हुए बैठक में उपस्थित मस्जिद के मुतवल्ली ने आश्वस्त किया कि नमाज का समय लगभग एक घंटा आगे कर लिया जाएगा। बैठक में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, एडीएम प्रभुनाथ, रजनीश चंद्र, पुलिस अधीक्षक गणेश साह, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, सभी उप जिलाधिकारी, नगर निगम, विद्युत, खाद्य सुरक्षा, आबकारी आपूर्ति विभाग के अधिकारी सहित अन्य मौजूद रहे। सर, सबसे पहले आप लोग से आपके बिन पूछ लिए जाए, थोड़ा सा हम लोग से बात करें। मानुभाव है उनका, मैं स्वागत करता हूँ। और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान हमने आप लोगों को कष्ट दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले होली की बैठक हुई थी। हम लोग ये सुनिश्चित भी करें, चुनाव हो या ना हो, जैसा कि हम लोग बैठ के हम लोगों ने बातचीत की है। एक बार तो हम लोग वहाँ भी बैठे थे, तो रिक्शा पर आ गया कि यहीं कलेक्ट्रेट में बैठेंगे। और एक तो शुरू में मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसको तैयारियाँ करनी होती है वो तो हम लोग करेंगे। तैयारियों को करने का तरीका भी अलग अलग होता है। यदि उनको बहुत व्यवस्थित रूप से, सही सोच से, समय से अगर तैयारी कर ली जाए तो तैयारी ठीक हो जाती है और त्यौहार भी अच्छे निकलते हैं। लेकिन तैयारियों के साथ साथ जो दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण उसका एंगल है, वो ये है कि जो आवाम है, जो आम लोग हैं, जनता के लोग हैं, या किसी क्षेत्र का, किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपकी बात सुनी जाती है, तो फिर इन तैयारियों के साथ साथ आप लोगों से भी एक विस्तार से, तफसील से बात हो जाए और आप लोगों के दिमाग में क्या बात है या व्यवस्था के लिए आप क्या सोचते हैं, वो आपसे बात हो, उस बात की समझ हो, समझ के बाद हम लोग उसको, समझने के बाद उसको क्रियान्वित भी कर लें। शाहपुर पुलिस ने एक चैन स्नैचर को पकड़कर चैन स्नैचिंग के मामले का खुलासा किया है। शाहपुर थाने पर घटना का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि 3-4 दिन पहले मानस विहार कॉलोनी में एक चैन स्नैचिंग हुई थी, जिसके तफ्तीश में प्रभारी निरीक्षक को लगाया गया था। शनिवार को फातिमा हॉस्पिटल के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक दिखाई दिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके पास से टूटी हुई पीली धातु की चेन मिली। पकड़े गए युवक की पहचान झंगहा थाना के लक्ष्मीपुर निवासी राजन कुमार चौहान, पुत्र धनई चौहान के रूप में की गई है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। अब रचित वाला जो कांड खुला था, मैं आपको बताऊं, जो रचित ने 30 लाख की लूट की थी, सवाल लोग दे रही है वहाँ के घोटाले अगर सर। मुकदमा अपराध संख्या 123/18, इसमें थाना क्षेत्र शाहपुर में एक महिला की चेन लूटी गई थी। फुटेज भी प्राप्त हुआ था और उसी फुटेज के आधार पे थाना शाहपुर की पुलिस टीम, सब इंस्पेक्टर पादरी बाजार, सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह लगे हुए, इसी दौरान इन लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और इसको पकड़ा गया। इसके पास से वो महिला की चेन भी बरामद हुई। ये झंगा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी
सबकी जो प्राप्त जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चंद कुमार चौहान की गिरफ्तारी हुई लुटेरा मुझे आप ये कह सकते हैं चेंज कैचर रहे। कुछ दिन पहले इसने शाहपुर थाना क्षेत्र में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसमें भी रिकॉर्ड हुई और इसके पीछे लगे हुए थे लोग और तीन चार दिन बाद पकड़ा गया। इसके पास से लूटी चीज बरामद हुई है। और भी घटनाएं इसने की हैं उसके बारे में अब गहनता से जाँच और पूछताछ की जाएगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि बरेली स्थित ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ल और फैजाबाद स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम अचल सिंह द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर शिक्षा शास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर शैलजा सिंह, प्रोफेसर शोभा गौड़, प्रोफेसर सुमित्रा सिंह और सरिता पांडे ने अतिथियों का बुके देकर और बैच लगाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रोफेसर एनपी भोक्ता, डॉक्टर उदय सिंह, प्रोफेसर विनोद सिंह, डॉक्टर धर्मवत तिवारी, प्रोफेसर गोपीनाथ सिंह, डॉक्टर केडी तिवारी सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारत में शिक्षक शिक्षा के मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनिल सिंह ने कहा कि आज विश्वविद्यालय टीचिंग मशीन बन गई है, यहाँ सिर्फ डिग्रियाँ बांटी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार का कब्जा होने के बाद रेडीमेड टीचर तैयार होने लगे हैं। टीचर टूल के रूप में कार्य कर रहा है, उसे सिर्फ सिलेबस पूरा कराने की जल्दी रहती है। उन्होंने कहा कि ज्ञान रेडीमेड नहीं हो सकता, नॉलेज को टेस्ट किए बिना आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। भारत में का बहुत मुश्किल किया, हम देखते हैं कि इस बीच में एक वर्षीय पाठ्यक्रम बीएड का खत्म हुआ, दो वर्षीय पाठ्यक्रम आया, हम लोग उसके साथ क्यों हुए, उसके साथ अपने को समायोजित किया, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे बहुत देरी चीजें कम है जिसे हम यहाँ को बात नहीं कहना चाहते। और ये बात चली रही है, ये हुआ ही था कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वो उनको लगता है कि बहुत जल्द सामने आने नहीं वाले, उनकी चर्चा शुरू हो गई। हम अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अध्यापक हैं या रिसर्चर हैं या विद्यार्थी हैं और विभिन्न पैमानों में एक इस पैमाने पे प्रायः सोचते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास और उसकी विकास की स्थिति का एक बड़ा पैमाना ये भी है कि वहाँ की अध्यापक शिक्षा कैसे हो। राष्ट्र की संपूर्ण शिक्षा पद्धति में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता अपना महत्वपूर्ण स्थान। पहला नॉर्मल स्कूल श्रीरामपुर में, पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर, वहाँ पर डेविस मिशनरीज ने शुरू किया एक, और जो अब ये प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा के लिए, और 1856 में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक संस्था की स्थापना की गई मद्रास, मतलब 1826-1856। इसके पहले क्या शिक्षकों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी? एक उत्सुकता मन में होनी चाहिए हमसे कि हम कैसे अपनी शिक्षा चलाते थे जिसने नालंदा और पता नहीं क्या क्या दिया। एक बार एक महत्वपूर्ण उक्ति है, टीचर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ध्यान दीजिएगा, टीचर्स आर बॉर्न नॉट मेड, अध्यापक जन्मजात होते बनाए नहीं जाते। हमारा काम इस उक्ति के विपरीत है, हम ये कहते हैं कि ठीक है टीचर्स आर बॉर्न, उन्हें जन्मजात उच्च गुण होते हैं, लेकिन उसका उन गुणों का विकास कौन करता है? हमारी यह शिक्षा और प्रशिक्षण करती है। तो ये एक चीज मान के चलिए कि कुछ उनमें योग्यताएं जन्मजात हैं जो बेहतर शिक्षक बन सकते हैं, हम उनको अवसर प्रदान करते हैं इस ट्रेनिंग के द्वारा। क्या व्यवस्था थी ये मैं
बात आपको कहूँ तो ये वो सुविधा जगी होगी। आप सब ने सुना होगा मॉनिटोरियल सिस्टम, मॉनिटोरियल सिस्टम कैसे ट्रेनिंग होती थी जिसने इतनी व्यापक एक शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था अंग्रेजों के आने के पूर्व। एक अध्यापक एक गुरु के पास एक विद्यार्थी है जो कल आया है, एक विद्यार्थी है जो 10 साल पहले का है। एक्सपेरिमेंट बेस्ड सिस्टम को इंग्लैंड में लागू किया गया और वहां की शिक्षा पर इसका व्यापक प्रभाव ये अंग्रेजी भाषा लिखते हैं, लेकिन भारत में इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। जीडीए के राप्ती नगर विस्तार योजना के आवंटियों को शनिवार को जीडीए ने कैंप लगाकर उनको भूमि का कब्जा दिया, जिसमें शनिवार को 6 आवंटियों को कब्जा दिया गया है। जैसा कि जीडीए ने अब तक रजिस्ट्री करा चुके 461 आवंटियों को प्रत्येक शनिवार और रविवार को मानबेला स्थित राप्ती नगर विस्तार योजना की जमीन पर आवंटियों को कब्जा देने का निर्णय लिया है। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम ने बताया कि शनिवार को कब्जा लेने पहुंचे 6 आवंटियों को कब्जा दिया गया। अब तक कुल मिला के 314 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है, जबकि 461 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्री कराई है। नागार्जुन बौद्ध प्रतिष्ठान और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्रकृति भाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पांडुलिपि संरक्षण तत्वबोध व्याख्यान का आयोजन शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ स्थित राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान के कार्यकारिणी प्राचार्य प्रोफेसर विनय कुमार जैन, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत मिश्र, नागार्जुन बौद्ध प्रतिष्ठान के अध्यक्ष ब्रिगेडियर गोविंद मिश्र, महामंत्री प्रोफेसर करुणेश शुक्ल, संस्कृत एवं प्राकृतिक विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर छाया रानी सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। तत्वबोध व्याख्यान का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के बाद छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति कर किया गया, जिसके पश्चात अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और अंग वस्त्र प्रदान करके किया गया। व्याख्यान में मौजूद आचार्य विजय जैन सहित अन्य वक्ताओं ने महायान सूत्रों में बौद्ध संस्कृत भाषा के प्रयोग पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जो बहुत जगत के जाते जमान होते थे वो प्रथम इसके अध्यक्ष थे और इसके प्रथम संरक्षक प्रभुदास बाबूधन पटवारी राज्यपाल तमिलनाडु इसके बाद अनेक विद्वानों ने जिनकी परंपरा जुड़ी है इसका इसके दायित्व का निर्वहन किया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री योगू मुर्मू हैं जो पहले तिरथ तालुक के प्रधान डायरेक्टर थे नई दिल्ली में और आजकल वन भोजन सर के जागरूकता के लिए ये उनकी जो संस्कृत है उसकी एक अपनी अलग पहचान है, जिसको कभी बौद्ध मिश्र संस्कृत कहा जाता है, कभी सिर्फ बौद्ध संस्कृत कहा जाता है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है। तो उस दृष्टि से मैंने थोड़ा विस्तार में उसका परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि एक अपरिचित भाषा के प्रति जिस प्रकार बहुत कम लोगों को ज्ञान है थोड़ा सा विषय स्पष्ट हो सकेगा। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश सकाय में किया अर्थात अपनी अपनी भाषा में स्वयं
भाषा में आज पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ग्रंथों का पुनरुद्धार विदेशी विद्वानों ने किया है तथा तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। कनिष्ठ के समय जो चतुर सरणी की हुई वह सर्वास्थिवादी परंपरा की मानी जाती है, जिसमें पाली या मागधी का कोई नाम निशान नहीं है। महायानी होने से पूरी तरह संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। इस समय बुद्ध जगत जैसे अनुपम संस्कृत काव्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, जिसे संस्कृत जगत में वही स्थान प्राप्त है, उन्हें स्वीकार किया। उसी प्रकार महायानियों ने संस्कृत का अवलंबन लिया, पर उनकी यह संस्कृत सामान्य संस्कृत थी। इनके ग्रंथों के प्रकाश में आने के पश्चात विद्वानों द्वारा इनका भाषा संबंधी अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिए 11 मार्च को मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदान फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वहीं ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने पहचान के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्रों, बैंक कार्ड, IGRS एवं NPR द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से योजना के अंतर्गत जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो, मतदाता पर्चा, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राणी विभाग द्वारा वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का उत्पादन एवं प्रयोग विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय किसान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन आगामी 27 फरवरी को विश्वविद्यालय के प्राणी विभाग अनुसंधान शाला में होगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह ने बताया कि केवल सीड और पेस्टिसाइड की दुकान सीड तो केवल कहने की बात है। 22 तारीख को एक किसान जागरूकता कार्यक्रम वर्मी कंपोस्टिंग और उसके उपयोग पर करने जा रहे हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट में, और इसमें हमारे करीब 500 किसान जो कि यहाँ लोकल गोरखपुर देवरिया बस्ती और आजमगढ़ रीजन्स के और कुछ बिहार पश्चिमी बिहार के किसान हमारे इनवाइटी हैं जो कि आ रहे हैं पार्टिसिपेट करेंगे। उनको हम अच्छी पूरी ट्रेनिंग के माध्यम से उनको हम जागरूक करेंगे कि आप ऑर्गेनिक खेती अपनाएं। इसके लिए बर्मी कंपोस्टिंग सबसे बेस्ट सलूशन है उनका। बर्मी कंपोस्टिंग बहुत ही आसान एक तरीका है, जिसमें हमने सारे वेस्ट मटेरियल को जो हमारे घर का वेस्ट है, मार्केट का वेस्ट है, एग्रो वेस्ट है, उसको सबको हम केवल थोड़े से गोबर की सहायता से और केचुओं की सहायता से उसको हम खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और ये जो हमारी खाद है ऑर्गेनिक खाद जो बनाई है केचुओं ने, ये खाद हमारी नॉर्मल जो एग्रीकल्चरल खाद केमिकल फर्टिलाइजर्स है और जो केवल गोबर की खाद है उससे कई गुना जो है ये बढ़िया है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और
इससे प्रोडक्टिविटी भी हमारी जो है वो बढ़ सकती है। उपलब्ध कराएंगे और उनको 5 किलो हम अपनी खाद भी देंगे जो मैंने अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया है, वो अपने घर ले जाएं और उसको अपने पौधों पर डाल के टेस्ट करें और उसका फायदा देखें और उसको अपनाएं, जिससे कि ऑर्गेनिक खेती जो है शुरू हो सके। हमारे वर्मी कंपोस्ट और उर्वरक में क्या अंतर आ रहा है सर? देखिए, ये ऑर्गेनिक खाद है। ऑर्गेनिक खाद का देखिए, आप जब खेतों में डालेंगे तो ऑर्गेनिक खाद के 2-3 फायदे ये है कि उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है जमीन की, उसमें पानी रुकने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे किसानों को जहाँ 3 बार पानी देना वहाँ उसको 2 बार में ही उसका काम चल जाएगा किसी फसल के लिए। दूसरे केचुए का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हमारे जमीन को चाल देता है, जिससे कि जमीन में एयरेशन, एयर का जो कम्युनिकेशन है पौधों से एयर का, वो बहुत प्रॉपर होने लगता है, उससे पौधों की ग्रोथ बहुत तेज होने लगती है। और तीसरी एक प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, अगर कोई आदमी इसको लार्ज स्केल पर करता है इस ट्रेनिंग करके, तो खाद बना करके आराम से मार्केट में बेच सकता है, किसानों को बेच सकता है, उससे अपनी अर्निंग भी कर सकता है। इसमें लागत कम है, फायदा ज़्यादा है अगर कोई इसको प्रॉपर तरीके से करे। हमारा जो उद्देश्य है इस पूरे कार्यक्रम को करने का, वो ये है कि ये ट्रेडिशनल ही ना रह जाए, केवल बस आदमी केचुआ ले, खाद ले, वो वेस्ट ले, उसको डाले, उसमें बस खाद बन गई। नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो नई नई टेक्निक इसमें और रिसर्चर्स इसमें जो और इम्प्रूवमेंट कर करके जो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने पंजाब के एक्सपर्ट को सेलेक्ट किया है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आदर्श पाल भी, वो पंजाब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब पटियाला के हैं और इसके बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। हमने उनको बुलाया है कि आप इसमें हमारे किसानों को और जो नई टेक्निक्स हुई हैं उनको आप इससे अवगत कराएं, जिससे कि हमारे किसान इसी खाद को और अच्छी तरह से उसको पौष्टिकता के साथ बनाएं और कम समय में। वो वही हाल है जैसे कि आप कोई आयुर्वेदिक दवा खाएं या कोई बाजार की दवा खरीद के खाएं। जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है ना, केमिकल जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, तो आपको नाइट्रोजन में क्या यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन पौधे को मिलेगा, पोटास डालेंगे तो उसको फास्फोरस डालेंगे तो फास्फोरस मिलेगा। लेकिन ये सब ऐसी खादें हैं, अगर आदमी इसको यही केवल वर्मी कंपोस्ट ही डाल दे तो उससे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे तरह के पदार्थ पौधे को मिल जाएंगे। गांव में क्या है, गांव में आदमी को यह पता ही नहीं है कि उसको यूरिया कब डालनी है, कब उसको नाइट्रोजन फास्फोरस डालना, कब पोटास डालना है, उसको जो खाद अवेलेबल हो गई वही खाद जितना पाया ले जा करके डाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर केवल नाइट्रोजन ही यूरिया ही केवल खेत में डालते रहेंगे तो ऐसा नहीं, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। और इससे न जानकारी में बहुत ज़्यादा लोग अमाउंट बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो वेस्ट हो जा रहा हो करके हमारी नदियों में जा रहा है, वाटर बॉडीज में जा रहा है और वहाँ की चीज़ों को पोल्यूट कर रहा है, हमारी मछलियों को पोल्यूट कर रहा है, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स को पोल्यूट कर रहा है, जो कि अल्टीमेटली हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है किसी भी तरह से। 11 मार्च को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में 25 मॉडल बूथ तैयार करने का निर्देश जिलाधिकारी ने SDMO को दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि मॉडल बूथ पर सुंदर गेट लगाए जाए, मतदेय स्थल तक कारपेट बिछाया जाएगा और यहां आने वाले मतदाताओं का स्वागत भी किया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने सभी SDMO और AR को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करें, जिससे मतदान अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि हम मतदाता को जागरूक करें और उसको ये बताएं कि जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर ले, किसी भी मध्य स्थल पर जाए तो उसका स्वागत है। तो हमने ये व्यवस्था की है कि अपने इस संसदीय क्षेत्र के जो हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी में हमने 5-5 मॉडल बूथ तैयार करने का निर्णय लिया और ये मॉडल बूथ्स अपने आप में बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ेंगे और सजावट इसमें होगी। सुविधाएं हमारे बाकी सभी बूथ से सबमें बराबर रूप से बहुत अच्छी हैं और सभी जगह हम लोग मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी AMF फैसिलिटी दे रहे हैं, सभी जगह हम वोटर्स असिस्टेंस बूथ बना रहे हैं, सभी जगह हम लोग बिल्कुल 100% वोटर लिस्ट बांटेंगे। जहाँ पर हमारे ऐसे मतदाता होंगे जो दिव्यांग होंगे, उनके लिए हम लोग व्हील चेयर्स रखेंगे, पीने का पानी, शौचालय, रैंप, ये व्यवस्था हम लोगों ने सब जगह करा दी है। ये हो रहा है, ये हमारे जो AROs हैं, जो विभिन्न असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के SDMs भी हैं, वो पूरे क्षेत्र में चला रहे हैं। हम लोग यहाँ जगह जगह पर सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं,
और रैलीज निकाली जा रही हैं, विभिन्न प्रोग्राम्स हो रहे हैं। जैसे अभी आने वाले समय में हम लोग मार्च के प्रथम सप्ताह में एक रन फॉर वोट भी कराने जा रहे हैं और एक बोट्स का प्रोग्राम, नावों का प्रोग्राम एक रामगढ़ ताल में भी करेंगे और उसको हम लोग इस प्रकार से शोकेस करेंगे कि बड़ी संख्या में मतदाता उसको देखें और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करें। सर, 19 लाख करीब मतदाता हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे मतदाताओं से? मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर 19.5 लाख मतदाता इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उनका मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का पर्व है और मतदान का दिवस 11 मार्च है, तो वो निश्चित रूप से अपने घरों से बाहर निकलकर उस दिन उनको मतदान करना चाहिए, उनको यही आह्वान मिला। इशू इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया विषय पर व्याख्यान का आयोजन शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में किया गया। व्याख्यान को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय समाजशास्त्र परिषद के महासचिव और लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.आर. साहू ने संबंधित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अब रिसर्च को सिर्फ अपने विषय तक ही केंद्रित न रखकर इस प्रकार से शोध करना चाहिए कि वह सामाजिक सरोकार और आम समाज से जुड़ सके। व्याख्यान के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में अंतर विषयक शोध पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के अध्यक्ष प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर राम प्रकाश, प्रोफेसर शफीक अहमद, प्रोफेसर राजेंद्र राव, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह सहित कई शिक्षक और शोध छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समय बदलते हुए, स्थिति बदलते हुए, समस्याओं की स्थिति को देखते हुए हम ये बताना चाहते हैं, उस समय की बातों में यदि आप देखेंगे रिसर्च की डेटा, जेंडर डायमेंशन कहीं नहीं दिखाई देता। आप लोग यदि पुराने 60 दशक 50 दशक में देखेंगे, जेंडर होंगे, लेकिन आज की तारीख में यदि आप देखेंगे बहुत सारे समाजशास्त्री समाज विज्ञानियों के अध्ययन में, इवन लिटरेचर में आप देखेंगे, इवन ह्यूमैनिटीज में देखेंगे, जेंडर इज अ वेरी पावरफुल डायमेंशन। सोशल रिसर्च की यदि हम बात करें तो उसमें दो तरह की स्कॉलरशिप दिखाई देता है, एक ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप और एक मॉडर्न स्कॉलरशिप, या ट्रेडिशनल रिसर्चर्स और एक मॉडर्न रिसर्चर्स, परंपरागत तरीके से शोध का करने का एक तरीका और एक आधुनिक तरीके से नए नए पहलुओं को, नए नए कॉन्टेक्स्ट को संदर्भ में रखते हुए काम करने का एक तरीका, इन दोनों में काफ़ी अंतर। और उस अंतर को यदि हम देखें तो जो मेथडोलॉजी है, जो पद्धति है और उसका जो प्रोसेस है, उसमें हम लोग कहते हैं कि हर मेथडोलॉजी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर्स, इसको हम लोग कहते हैं एक मानक है। जैसे कि आप लोगों को हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी में बताते हैं स्टेप्स इन साइंटिफिक रिसर्च और स्टेप्स इन रिसर्च मेथड्स, तो एक तरीके SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर्स। आज की तारीख में जो मॉडर्न स्कॉलरशिप है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर्स की थोड़ी सी व्यतिक्रम कर रहे हैं और उसमें तारे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ओरल ट्रेडिशन, श्रुति परंपरा, तो श्रुति परंपरा फिर उसके बाद आया जिसको हम कहते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स, जिसको लिखित तथ्यों के रूप में, जैसे कि पश्चिमी समाज में इसको कहते हैं बिब्लिकल एक्सप्रेशंस, डॉक्यूमेंट्स आने लगा। जैसे कि हमारे भारतीय समाज में हम वैदिक कॉन्टेक्स्ट को देख, टेक्स्ट को देखते हुए हम अपनी बात को रखते हैं। तो इसी तरह से जो रीडिंग है वो रीडिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यू नो सोर्स फॉर आवर रिसर्च, हम उसको अध्ययन के लिए अपनी एक बात को रखते हैं जिसमें हम रीडिंग को एक अपना टूल मानते हैं, जैसे कि हम अपनी बात को रखते हैं। अब कुछ ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप्स की कुछ ड्रॉबैक्स भी गिनाया जा सकता है और उस ड्रॉबैक्स में ये देखा जा सकता है, इस्तेमाल हो रहे पेशेंट्स को, तो उसमें भी पेशेंट से बताया जाता है, उनके परिवार वालों से बताया जाता है कि भाई हम इसमें इस तरह की अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए आपकी कंसेंट और उसकी सिग्नेचर लेके उनको बता के, पूरी चीजों को बता के। रसायन विज्ञान में उभरते रुझान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर गणेश पांडे, विशिष्ट अतिथि मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के डॉक्टर विक्रमा सिंह, प्रोफेसर विश्वकर्मा सिंह, प्रोफेसर वृंदावन सी रानू, प्रोफेसर कृष्णा मिश्रा सहित विभिन्न देशों से आए शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वक्ताओं ने रसायन विज्ञान के उभरते आयामों पर चर्चा करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा बस
नेचर हैज ओनली एसी पे नेचर केमिस्ट्री ए सुजी क्रॉस सिलेक्शन डीकार्बोक्सिलेशन एल्काइलेशन टू गेट दिस कंपाउंड बट दिस इज ओनली ए मेथड ऑफ कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक नेचर प्रोडक्ट्स हियर देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेज व्हिच इज ऑब्वियस Then we thought that whether this methodology will work also for 5-member or toxin dose. So the 5-member, there are some gelsamine again is anti-Alzheimer compound, and menjamine is very famous molecule, and a lot of people have tried to synthesize this. And we thought this can be done, and again we made this fully very to be active against. Will you see 50 farming resistant cancer diseases? Drugs, this heavy cell activity is 2.9 to 1 per gram. Now, if you look at this, is also two molecules. This and this is Wilkerson Wilkerson, as you see, this is coupled here. Similarly, this is a coupled from it. Now, cyclization, N-chlorosexamide and potassium hydroxide, we take this compound. Now this compound reacted with this bromo here, get this compound which was treated in the presence of acetic acid, get this compound and at this stage this is a mixture which is 1:2 alpha versus beta. However, it doesn't matter. In the next step, when we fix with the reaction, this is fixed, and you have this mixture which we didn't bother because that is the place where we are going to couple the other part. So the third part synthesis is a simple, similar way. Simpler we reach here, which again can be written in this fashion. Was treated with this compound in presence of ferrocalium sulfuric acid to get this compound. Reacted with MCBA make N-oxide so that it becomes a पूर्व टेस्ट खिलाड़ी अजय शर्मा से गोरखपुर न्यूज़ से एक विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर के खिलाड़ियों में असीम क्षमता है और हुनर भी है लेकिन आवश्यकता है उन्हें सही प्लेटफॉर्म देने की मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा सुना तो बहुत था गोरखपुर के बारे में बट मेरा पहला विजिट था मैं कभी यहाँ खेलने का मुझे मौका नहीं मिला पर अजय यादव जी का इसका श्रेय अजय यादव जी को जाते हैं जो TNM मेमोरियल एकेडमिक कैपिटी जो इंदिरापुरम में चलाते हैं मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ जब से हमारी अकेडमी शुरू हुई है 2 साल हो गए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो इनके साथ आके बड़ा अच्छा लगा जिस तरह इन्होंने बताया था मुझे कि गोरखपुर में सर आप चलिए आप देखिए किस तरह से बच्चे खेलते हैं और जो एकेडमी है सजनमा भी है तो मैं कल भी वहाँ विजिट करूँगा तो बच्चे टैलेंटेड हैं बट इनको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए क्योंकि ये एक ही जगह खेलते हैं इनको बड़ी जो सिटीज़ हैं वहाँ जाके अगर थोड़ा सा मौका खेलने का मिलेगा तो ये बच्चे भी आगे आके क्योंकि बच्चे ये मेहनती होते हैं इनको किसी चीज़ का मुझे लगता है कि जो हमें फैसिलिटीज़ बड़ी सिटीज़ में मिलती हैं यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो ये दिल जान लगा के मैच खेलते हैं प्रैक्टिस करते हैं बट इनको अच्छे कोचिंग की भी ज़रूरत होती है क्योंकि एक एज के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आपको अपना मैच जो टेम्परामेंट है और आपको अपना थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ता है गेम उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है तो कोशिश यही रहेगी यादव साहब भी कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको दिल्ली में ला के मैच खिलाते हैं उनके रहने का प्रबंध भी करते हैं तो आगे देखते हैं अभी शुरुआत है और अच्छी शुरुआत हुई है बच्चे अच्छा खेल रहे हैं स्टेट्स वगैरह खेल रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं गोरखपुर और सिद्दीकी साहब जिस तरह से मुझे लगता है यहाँ काफ़ी मेहनत करते हैं जैसा इनके बारे में सुना है मैंने कि ये इनकी यहाँ एकेडमी है और इस तरह से ग्राउंड्स वगैरह पे बच्चों को इकट्ठा करना और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत इसमें लगती है तो इसका मैं सिद्दीकी साहब को इसका श्रेय देता हूँ और कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले टाइम में मैं बार बार यहाँ पर आऊँ डिपेंड करता है टाइम पर भी कि किस तरह से गोरखपुर की क्रिकेट आगे चलती है और यहाँ के बच्चे कितना खेलते हैं बट सुना है यहाँ पे बच्चे काफ़ी साल बाद अभी कुछ रिप्रेजेंट किया है इन्होंने अंडर एज ग्रुप में आने वाले टाइम में अगर इनको एक्सपोजर दिया तो अच्छी क्रिकेट खेलने की क्षमता रखते हैं सर अब पूर्व खिलाड़ी भी हैं सर क्या कहेंगे सर पुराने लोगों को पूर्व खिलाड़ी के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को कि भाई जो भी चीज़ करें जी जान से करें जो कोच बताते हैं छोटी छोटी चीज़ें त्रुटियाँ होती हैं कुछ गलतियाँ होती हैं उन पर थोड़ा वर्क करें ताकि अपनी गेम को इम्प्रूव कर सकें अगर ये उसी स्टेज पर रह जाते हैं फिर कोई और बच्चे आगे निकल जाते हैं जिनको अच्छा एक्सपोजर होता है तो जो चीज़ें बताई जाती हैं कोच के द्वारा उनको ध्यान में रख के उस पर मेहनत करें ताकि अपनी गेम को और सुधार सकें
धन्यवाद। शनिवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर गोरखपुर क्रिकेट लीग का एक मैच अक्की क्रिकेट एकेडमी और कबीर इलेवन के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कबीर इलेवन ने आराध्य किए 67 रनों की बदौलत 163 रन बनाया। 164 रन का पीछा करते हुए अक्की क्रिकेट एकेडमी ने अजय सूर्यवंशी के 85 और निखिल के नाबाद 70 रनों की बदौलत ये मैच 9 विकेटों से जीत लिया। मैच शुरू होने से पहले रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने आए पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अजय शर्मा का खेल प्रमोटर धीरेंद्र पाल और मैनेजर शफीक अहमद सिद्दीकी ने बुके देकर स्वागत किया। का सबसे पहले आउट करने के लिए धीरेंद्र पाल बस्ती से आए हुए अपने बच्चे को लेकर के खेलने के लिए, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही देखने के लिए बात होती है कि एक पेरेंट्स इतना सपोर्ट की बच्चे के अंदर टैलेंट नहीं होती है। अगर लड़का व्हाइट ड्रेस में खड़ा है तो ये टैलेंट उसके अंदर जरूर है, वो डिजर्व करता है इस चीज़ को और हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है सभी लोगों को। नेक्स्ट में सर हम चाहेंगे कि हमारे बस वो अपना लिफ्टिंग कर रहे हैं। क्या हुआ सर, अंदर में ढा गया वो? चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों को जिलाधिकारी ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ। लोकसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों और मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। गोरखपुर के खूनीपुर में सोसाइटी से पैसे की अदायगी न होने का मामला पकड़ा तूल, सोसाइटी के डायरेक्टर चढ़े पुलिस के हत्थे। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने शांति और सद्भावना समिति के साथ की बैठक। लूट की चैन के साथ एक चैन स्नेचर चढ़ा पुलिस के हत्थे, सीओ गोरखनाथ ने किया खुलासा।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। वक्ताओं ने भारत में शिक्षक शिक्षा के मुद्दे पर किया मंथन। 6 आवंटी पाए राप्ती नगर विस्तार योजना के तहत जीडीए द्वारा कब्जा। नागार्जुन बौद्ध संस्थान और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई पांडुलिपि संरक्षण तत्वबोध व्याख्यान। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में मतदाता के पास है मतदान के लिए कई वैकल्पिक पहचान पत्र के तरीके। 27 फरवरी को आयोजित होगा वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का उत्पादन एवं प्रयोग विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय किसान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। लोकसभा के उपचुनाव में बनेंगे 25 मॉडल बूथ। मतदान के लिए जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से किया आवाहन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में इश्यू इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया विषय के साथ अंतर विषयक शोध पर भी दिया गया जोर। गोरखपुर विश्वविद्यालय में रासायनिक विज्ञान में उभरते रुझान विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। गोरखपुर पहुंचे पूर्व टेस्ट खिलाड़ी अजय शर्मा से गोरखपुर न्यूज की विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गोरखपुर के खिलाड़ियों में नहीं है टैलेंट की कमी। और जिला क्रिकेट लीग में अबकी एकेडमी ने 9 विकेटों से शानदार जीत हासिल की। अब तक के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। नमस्कार।